प्यारे दोस्तों, जैसे कि CMP3 वीडियो में केवल आपको वॉइस सुनाई देगा, आप लीड लगाकर अदर वर्क करते हुए भी अपनी तैयारी को लगातार जारी रख सकते हैं। तो आज हम सब जो है डेवलपमेंट बायोलॉजी में आज MP एक्सेस डेवलपमेंट पढ़ेंगे, डेवलपमेंट ऑफ MP एक्सेस पढ़ेंगे, क्योंकि इसके पहले डेवलपमेंट बायोलॉजी का फर्स्ट वीडियो आपको डाउनलोड हो चुका है और उसको जाके आप तो लोग देख लें कि उसमें जो डेवलपमेंट से संबंधित विभिन्न सिद्धांत और नियम किस वैज्ञानिक ने दिया था और डेवलपमेंट बायोलॉजी है क्या और डेवलपमेंट बायोलॉजी में कितने शब्दावली हैं उनके विषय में आगे चर्चा हो चुकी है। आप जाके फर्स्ट वीडियो डेवलपमेंट बायोलॉजी का देखें, उसके बाद ये सेकंड वीडियो। प्यारे दोस्तों, सेकंड वीडियो में आपको MP एक्सेस का परिवर्तन देखेंगे, डेवलपमेंट ऑफ MP एक्सेस देखेंगे। तो MP एक्सेस का डेवलपमेंट में हम लोग देखते हैं कि फर्टिलाइजेशन के बाद लार्वा अवस्था आती है, लार्वा अवस्था जब आती है तो इनमें अगर देखा जाए तो MP एक्सेस का डेवलपमेंट जो होता है इनडायरेक्ट होता है। इनमें क्या होता है, इनका डेवलपमेंट जो होता है इनडायरेक्ट आता है, क्योंकि इनमें लार्वा अवस्था पाई जाती है और इनका निषेचन जो होता है एक्सटर्नल होता है, फर्टिलाइजेशन जो इनका होता है एक्सटर्नल होता है। और कहाँ होता है, सी वाटर में होता है, समुद्र में होता है, क्योंकि समुद्र में पाए जाते हैं। निषेचन के पूर्व, निषेचन के पहले जो है अंडाणु में केंद्रपीत की अंडाणु जो होते ओविल्स जो होता है केंद्रपीत की कोशिका द्रव जो है सेंट्रल स्थल साइटोप्लाज्म जो होता है वेजिटल पोल की ओर होता है, सेंट्रल स्थल साइटोप्लाज्म जो होता है वेजिटल पोल की ओर होता है। और नाभिक न्यूक्लियस जो होता है, इनका न्यूक्लियस एनिमल पोल की होता है, एनिमल पोल की तरफ होता है, सेंट्रल एनिमल पोल की तरफ होता है। ओव्यूल जो बनता है, ओव्यूल में जो सेंट्रल स्थल साइटोप्लाज्म जो होता है वेजिटल पोल की ओर होता है। और न्यूक्लियस जो होता है इनका न्यूक्लियस जो होता है किस साइड में होता है, एनिमल पोल की तरफ होता है, मतलब दो पोल इसमें पाया जाता है, सेंट्रल दो पोल पाया जाता है, एनिमल पोल और वेजिटल पोल। वेजिटल पोल की तरफ सेंट्रल स्थल साइटोप्लाज्म पाया जाता है और एनिमल पोल की तरफ क्या पाया जाता है, न्यूक्लियस पाया जाता है। इनका जो न्यूक्लियस पाया जाता है एनिमल पोल की तरफ होता है या निषेचन कला से घिरा होता है। न्यूक्लियस जो होता है निषेचन कला से क्या होता है, घिरा होता है। अंडाणु शुक्राणु संयुक्त होकर क्या बनाते हैं, जायगोट बनाते हैं। हम लोग जानते हैं कि जब फर्टिलाइजेशन क्रिया होती है, फर्टिलाइजेशन क्रिया के बाद क्या बनाते हैं, जायगोट बनता है। अब जायगोट में जो डेवलपमेंट होता है प्रारंभिक भ्रूणी परिवर्धन होता है, ईयरली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट को हम लोग देखते हैं। अब जायगोट बनने के बाद क्या क्या डेवलपमेंट होता है, उनमें क्या क्या परिवर्तन होते हैं, उसकी चर्चा हम लोग एक एक पॉइंट में करते हैं। ईयरली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, प्रारंभिक भ्रूणी परिवर्तन हम देखेंगे, उनके प्रारंभ में भ्रूणी परिवर्तन कौन कौन से पाए जाते हैं इसकी चर्चा हम लोग एक एक पॉइंट में करते हैं। तो प्रारंभिक भ्रूणी परिवर्तन निम्न चरणों में होते हैं। MP एक्सेस के युग्मनज जो जायगोट बनता है पीतक बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। इनमें जो होता है याक की मात्रा होती है बहुत कम मात्रा में पाई जाती है। इसमें होलोब्लास्टिक क्लीवेज होता है, इनमें कैसे क्लीवेज होता है, होलोब्लास्टिक क्लीवेज होता है। छह विदलनों के पश्चात जो होता है सेल डिवीजन के पश्चात पूर्ण भंजी विदलन होलोब्लास्टिक क्लीवेज होता है। देखिए इनमें होलोब्लास्टिक की क्लीवेज होता है, छह विभाजन के पश्चात कितने कोशिकाएँ बन जाती है, सेल्स बनते हैं 64 कोशिकाएँ बनती हैं। 64 कोशिकाएँ जब बन जाती है तो उस कंडीशन को मोरूला कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, मोरूला फार्म कहते हैं। जब 64 सेल्स बन जाती हैं किस विभाजन के द्वारा, छह विभाजन के द्वारा, 64 डिवीजन के बाद 64 सेल बनने के बाद की कंडीशन को हम मोरूला स्टेज कहते हैं, उन्हें मोरूला स्टेज कहते हैं। तो मोरूला बनने के बाद क्या होता है, ब्लास्टुलेशन की क्रिया होती है। क्या होता है, ब्लास्टुलेशन की प्रक्रिया होती है। ब्लास्टुलेशन के बाद क्या बनता है, ब्लास्टुला बनता है। ब्लास्टुला में क्या पाया जाता है, ब्लास्टोसील पाया जाता है। जो ब्लास्टुला में स्पेस पाया जाता है उसे क्या कहते हैं, ब्लास्टोसील कहते हैं। तो ब्लास्टुला के बाद जो होता है अधर की ओर, जो अधर मतलब नीचे की ओर स्थित माइक्रोमियर्स मतलब छोटी छोटी जो कोशिकाएं होती है वो क्या बनाती हैं, एक्टोडर्म बनाती हैं। और पृष्ठ की ओर जो डार्सल साइड में होती हैं कोशिकाएं, जिन्हें हम माइक्रोमियर्स कहते हैं, माइक्रो मतलब बड़ी वाली कोशिकाएं, माइक्रोमियर्स कोशिकाएं क्या बनाती हैं, एंडोडर्म का निर्माण करती हैं, मतलब जनरल लेयर। एक्टोडर्म और इंडोडर्म जो होती हैं ऊपर वाली कोशिकाएँ, पृष्ठ की ओर जो कोशिकाएँ होती हैं, जो बड़ी बड़ी कोशिकाएँ होती हैं वो इंडोडर्म बनाती हैं और छोटी कोशिकाएँ एक्टोडर्म बनाती हैं। इसके पश्चात
पार्श्व में, पार्श्व में जो पार्श्व पश्च पार्श्व की ओर जो कोशिकाएं होती हैं, पश्च पार्श्व की ओर जो कोशिकाएं होती हैं उन्हें वो क्या बनाती है, मीजोडर्म का निर्माण करती हैं। वो क्या बनाती हैं, मीजोडर्म का निर्माण करती है। पश्च पार्श्व जो बगल बगल को पश्च पार्श्व कोशिकाएं जो होती हैं वे मीजोडर्म का निर्माण करती हैं। इस प्रकार से थ्री लेयर का निर्माण किस समय हो जाता है, ब्लास्टुला के समय ही हो जाता है। इक्टोडर्म, मीजोडर्म और इंडोडर्म का निर्माण जो होता है ब्लास्टुला के समय ही हो जाता है। तो इक्टोडर्म का निर्माण जो होता है अधर नीचे की साइड स्थित माइक्रोमियर से होता है। माइक्रोमियर से इक्टोडर्म, माइक्रोमियर से इंडोडर्म बनते हैं और पश्च पार्श्व कणिकाओं कणिकामय कोशिकाओं से मीजोडर्म का निर्माण होता है। तो अब आते हैं हम लोग ग्लैस्टुलेशन में क्या होता है। ग्लैस्टुलेशन की प्रक्रिया एक कोर की ब्लास्टुला से द्वि कोर की ग्लैस्टुला बनता है। एक कोर की एक लेयर ब्लास्टुला से दो लेयर में द्वि कोर की जो है दो लेयर ग्लैस्टुला का निर्माण करता है। ग्लैस्टुला में क्या होता है, इनवेजिनेशन की प्रक्रिया होती है। इनवेजिनेशन की प्रक्रिया पाई जाती है ग्लैस्टुला में। क्या होता है, जब ग्लैस्टुलेशन होता है तो उसमें क्या होता है, इनवेजिनेशन की प्रक्रिया के द्वारा अर्केंट्रान का निर्माण होता है। अर्केंट्रान का निर्माण होता है जो ब्लास्टोपोर द्वारा बाहर की ओर खुलती है। अर्केंट्रान ब्लास्टोपोर के द्वारा कहाँ खुलती है, बाहर की ओर खुलती है, जिससे भ्रूण एवं द्वितीयक ग्लैस्टुला बनाता है। जिससे भ्रूण एक द्वितीयक ग्लैस्टुला बनाता है, भ्रूण जो होता है एम्ब्रियो जो होता है क्या एक सेकेंडरी मतलब द्वितीयक ग्लैस्टुला का फॉर्मेशन करता है, सेकेंडरी ग्लैस्टुला का निर्माण करता है। ब्लास्टोपोर जो होता है पृष्ठतल से पश्च सिरे पर, ब्लास्टोपोर जो बनता है पृष्ठतल कहाँ पर होता है, डार्सल साइड में होता है। डार्सल साइड से कहाँ, पश्च सिरे पर जो बैक साइड पर उसके चला जाता है, पश्च सिरे पर खिसक कर छोटे छिद्र के रूप में गुदा बनाता है। क्या बनाता है, एनस बनाता है। ब्लास्टोपोर क्या बनाता है, पृष्ठतल टटल पर मतलब डार्सल तल पर होता है और वहाँ से खिसक कर छोटे छिद्र के रूप में मतलब पश्च सिरे पर पहुँच जाता है। डार्सल से पश्च सिरे की ओर पहुँच जाता है ब्लास्टोपोर, और ब्लास्टोपोर क्या बनाता है, एनस छिद्र बनाता है, छिद्र के रूप में एनस बनाता है। ब्लास्टोपोर क्या बनाता है, इनमें एनस बनाता है। पूछा जाता है क्वेश्चन कि ब्लास्टोपोर क्या बनाता है, तो एनस एम्फियाक्सिस में ब्लास्टोपोर क्या बनाएगा, एनस बनाता है। प्रत्येक कोश की गुहा आंत गुहा बनाती है, इंटरकोल बनाती है और मीजोडर्म द्वारा घिरी होने से यह प्रगुही गुहा सीलोमिक कैविटी कहलाती है। मीजोडर्म से घिरी होने के कारण यह गुहा जो है सीलोमिक कैविटी कहलाती है। प्रत्येक मीजोडर्म कोश जो होता है एक पृष्ठकाय खंड सोमाइट्स बनाती है, एक सोमाइट्स बनाती है। अधर पार्श्व प्लेट मीजोडर्म बनाती हैं, और अधर जो होती है, अधर जो नीचे के साइड में पार्श्व प्लेट पाई जाती है वो मीजोडर्म का फॉर्मेशन करती है। वो क्या बनाती है, मीजोडर्म का निर्माण करती हैं। तो सोमाइट्स की भित्ति मोटी होकर एक पट्टिका बनाती है, सोमाइट्स की भित्ति जो होती है वो मोटी होकर एक पट्टिका प्लेट बनाती है जिसे मायोटोम्स कहते हैं। तो सोमाइट्स की भित्ति मोटी जब हो जाती है, एक पट्टिका प्लेट बनाती, प्लेट की जैसे स्ट्रक्चर बनाती है, उस स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है, मायोटोम्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मायोटोम्स। प्रत्येक पार्श्व प्लेट जो होती है, पार्श्व प्लेट मेजोडर्म की गुहा, मेजोडर्म की गुहा को स्प्लैंकोसील कहते हैं। तो मेजोडर्म की गुहा को स्प्लैंकोसील कहते हैं। इसकी भित्ति एक्टोडर्म के नीचे कायिक सोमाइटिक स्तर कहलाती है, एक्टोडर्म के नीचे सोमाइटिक स्तर कहलाती है, जबकि आंत एंडोडर्म से लगी स्प्लैंकनिक स्तर कहलाती है। पार्श मीजोडर्म प्लेटों में स्प्लैंकोसील परस्पर मिलकर आंत को घेरती हुई एक स्प्लैंकोसिलिक गुहा बनाती है, कैविटी स्प्लैंकोसिलिक कैविटी बनाती है। एक्टोडर्म के नीचे की सतह को क्या कहा जाता है, एक्टोडर्म के नीचे की सतह को सोमाइट्स कायिक स्तर कहलाता है, सोमाइट स्तर कहते हैं, और आंत से लगे हुए स्तर को स्पैंकनिक स्तर कहलाता है। तो इन दोनों को मिला दिया जाता है तो सोमाइट्स की मायोसील्स जो होती हैं और पार्श्व प्लेट मेजोडर्म की स्प्लैंकोसील से निकली गुहाएं परस्पर मिलकर, इन दोनों की गुहाएं परस्पर मिलकर क्या बना लेती हैं, सीलोम का फॉर्मेशन करते हैं। किसको बनाते हैं, सीलोम का निर्माण करते हैं। अर्केंट्रान पूरा एंडोडर्मल स्तर उपार्जित कर आहार नल बनाता है। अर्केंट्रान जो होता है यह पूरा एंडोडर्मल स्तर बनाता है, पूरा एंडोडर्मल उपार्जित कर आहार नल का
एलिमेंट्री कैनाल को फॉर्मेशन करता है। एलिमेंट्री कैनाल किसके द्वारा बनता है? अर्केंट्रान का पूरा एंडोडर्मल स्तर जो होता है, अर्केंट्रान का पूरा एंडोडर्मल स्तर जो होता है उसके द्वारा आहार नाल का फॉर्मेशन होता है। तो हम समझते हैं कि अर्केंट्रान जो बनता है, अर्केंट्रान पूरा एंडोडर्म स्तर उपार्जित होकर आहार नाल का फॉर्मेशन करता है, आहार नाल को का निर्माण करता है। अभी तक हम लोगों ने देखा कि ब्लास्टुला कैसे बनता है, ग्लैस्टुला कैसे बनता है और जो होता है इसमें सिलोम कैसे बनते हैं तथा इसमें आहार नाल का फॉर्मेशन कैसे होता है। अब हम लोग देखेंगे ऑर्गेनोजेनेसिस, अंग का विकास, अंगों का विकास इनमें किस प्रकार से होता है, प्रारंभिक भ्रूणी परिवर्तन डेवलपमेंट के फलस्वरूप अंग विकास अनेक चरणों में होता है। पहला चरण हम लोग देखते हैं ग्लैस्टुला की मध्य पृष्ठ की एक्टोडर्मल कोशिकाएं मोटी या बड़ी होकर एक न्यूरल प्लेट बनाती हैं। न्यूरल प्लेट का निर्माण ग्लैस्टुला की मध्य पृष्ठ की एक्टोडर्म की कोशिकाओं के द्वारा होता है। न्यूरल प्लेट किसके द्वारा बनते हैं? एक्टोडर्म ग्लैस्टुला की एक्टोडर्म कोशिकाओं की से न्यूरल प्लेट का निर्माण होता है जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का निरूपण करती हैं। न्यूरल प्लेट किसको बनाती है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम को निरूपण करती है, फॉर्मेशन करती हैं। इस न्यूरल प्लेट का केंद्रीय भाग, धसकर एक न्यूरल ग्रुप का निर्माण करती है, एक स्पेस का निर्माण करती है, न्यूरल खांच का निर्माण करती है। यह एक न्यूरल नाल में परिवर्तित होता है। जो न्यूरल प्लेट होती है उनमें एक खांच बनती है, एक स्पेस बनता है और वही स्पेस जो होता है न्यूरल ट्यूब कहलाता है, न्यूरल नाल कहलाता है। यह सारी प्रक्रिया न्यूरुलेशन कहलाती है। न्यूरुलेशन की प्रक्रिया के द्वारा न्यूरल खांच या न्यूरल ट्यूब का निर्माण होता है, न्यूरल ट्यूब का फॉर्मेशन होता है। ठीक है प्यारे दोस्तों, ग्लैस्टुलेशन के मध्य पृष्ठ की एक्टोडर्म की कोशिका मोटी बड़ी होकर न्यूरल प्लेट बनाती है। न्यूरल प्लेट का न्यूरल खांच बनता है। न्यूरल खांच के बाद न्यूरल ट्यूब का फॉर्मेशन होता है। इसी प्रकार से अब हम देखेंगे ग्लैस्टुलेशन से तो न्यूरल प्लेट बनी, ठीक है, न्यूरल खांच बनी जो स्पेस बनता है। अब ब्लास्टोपोर से क्या होता है? वो था होता है ग्लैस्टुला से होता है। यहाँ तो ब्लास्टोपोर के पृष्ठ ओठ की एक्टोडर्मल कोशिकाओं से नोटोकार्ड प्लेट का निर्माण होता है। ध्यान दीजिएगा, पहले प्लेट बनती है फिर नोटोकार्ड बनेगा। तो ब्लास्टोपोर के पृष्ठ ओठ की एक्टोडर्म वहाँ भी था लेकिन ग्लैस्टुला के मध्य पृष्ठ से बना था। यहाँ पे ब्लास्टोपोर की पृष्ठ ओठ की एक्टोडर्मल कोशिका अंतर्वलन द्वारा, अंतर्वलन क्रिया होती है, नोटोकार्ड प्लेट बनाती है। यहाँ एक्टोडर्मल कोशिका ब्लास्टोपोर की क्या बनाती है? अंतर्वलन द्वारा नोटोकार्ड प्लेट का निर्माण करती हैं। ये न्यूरल प्लेट की तरफ उभर कर अर्केंट्रान की छत से अलग होकर न्यूरल प्लेट की तरफ उभर कर अर्केंट्रान जो नीचे आंत के पास जो लेयर पाई जाती है उससे अलग होकर नोटोकार्ड का निर्माण करती है। क्या बनाती है? नोटोकार्ड का निर्माण करती है। यह प्रक्रिया नोटोजेनेसिस कहलाती है। नोटोकार्ड का निर्माण किससे होता है? ब्लास्टोपोर की पृष्ठ ओठ की एक्टोडर्मल कोशिका के अंतर्वलन के द्वारा नोटोकार्ड का निर्माण होता है। नोटोकार्ड प्लेट बनती है, नोटोकार्ड प्लेट बनाती है ये न्यूरल प्लेट की तरफ, न्यूरल प्लेट जहाँ पे न्यूरल खांच पाई जाती है, न्यूरल प्लेट पाई जाती है की तरह उभर कर अर्केंट्रान की छत से अलग होकर जहाँ आंत पाया जाता है, आंत अर्केंट्रान उधर पाया जाता है, अर्केंट्रान कैसे इंटेस्टाइन का निर्माण होता है से अलग होकर नोटोकार्ड का निर्माण करती है, नोटोकार्ड का निर्माण करती है। यह प्रक्रिया नोटोजेनेसिस कहलाता है। ग्लैस्टुला में अर्केंट्रान जो बनता है, अर्केंट्रान के डार्सल लेटरल जो पट का प्लेट का फॉर्मेशन होता है, डार्सल लेटरल प्लेट का निर्माण होता है। ग्लैस्टुला के अर्केंट्रान के डार्सल लेटरल प्लेट का निर्माण जो होता है भावी मेजोडर्म की प्राथमिक दशा होती है। मेजोडर्म की जो है प्राथमिक फॉर्मेशन होता है। जो अर्केंट्रान ग्लैस्टुला के अर्केंट्रान के पृष्ठ पार्श डार्सल लेटरल प्लेट जो बनती है वह क्या होता है? मेजोडर्म की प्रारंभिक अवस्था होती है। ये पट्टे वलित होकर एक एक अनुदैर्ध्य खाच ग्रुप बनाते हैं, एक एक जो वलित होकर एक अनुदैर्ध्य खाच ग्रुप का निर्माण करते हैं। खाच व्यवस्थित होकर मेजोडर्मल थैलियों में बढ़ जाते हैं, छोटे छोटे मेजोडर्मल थैलियों में बढ़ जाते हैं जो अर्केंट्रान से पृथक होकर मेजोडर्म की कोश बनाती हैं। मेजोडर्म की अर्केंट्रान से क्या है? पृथक होकर मेजोडर्म की कोश बनाती है। ग्लैस्टुलेटर भ्रूणावस्था न्यूरुला कहलाता है। ग्लैस्टुलेशन की भ्रूणावस्था जो होती है न्यूरुला अवस्था कहलाती है। या न्यूरुला अपनी निषेचन कला को भेद कर बाहर निकलता है, न्यूरुला अवस्था क्या होती है? या अपने न्यूरुला अपनी निषेचन कला को, निषेचित कला जो नीचे की एक जो एग होता है उसकी निषेचन कला को भेद कर बाहर निकलता है। देखिए क्या होता है, ग्लैस्टुलेशन भ्रूणावस्था जो होती है न्यूरुलावस्था कहलाती है। न्यूरुलावस्था के समय क्या होता है, यह एक भ्रूण के रूप में तैयार हो जाता है और
निषेचन कला को भेद कर बाहर निकलता है। जो सबसे बाहरी लेयर पर एक पाई जाती है, एक सबसे बाहरी लेयर कला होती है, उसको भेद कर बाहर निकलता है। मुक्त प्लावी लार्वा की तरह जल में तैरता है। पे न्यूरोल अवस्था में जो है जल में बाहर निषेचन कला को भेद कर बाहर आ जाता है और जल से बाहर जल में तैरता है, न्यूरोल अवस्था। ठीक है, इस प्रकार से अब हम लोग लार्वल डेवलपमेंट देखेंगे, डिम्बकी परिवर्तन, लार्वल डेवलपमेंट की बात करेंगे। अब इनमें क्या होता है, निरूला जो होता है लार्वा की तरह कवर करता है। तो डिम्बकी परिवर्तन, लार्वा डेवलपमेंट हम देखते हैं कि निरूला में किस प्रकार से डेवलपमेंट होता है। लार्वा तेजी से लंबा, पार्श्व से चपटा होता है, तेजी से लंबा होता है और पार्श्व क्या होता है, तेजी से लंबा होता है, पार्श्व में चपटा हो जाता है। पार्श्व में कैसे हो जाता है, चपटा होता है, सिरों पर नुकीला हो जाता है, सिर इनका नुकीला हो जाता है। अग्र मध्य अधर, नीचे के साइड अधर रेखा पर और मध्य के साइड मतलब आगे से थोड़ा सा मध्य में की तरफ बाई तरफ, दाहिने नहीं बाई तरफ एक गोल छिद्र के रूप में मुख का फॉर्मेशन होता है। अग्र मध्य सिरा पर एक गोल मुख का निर्माण होता है, मतलब गोल छिद्र का निर्माण होता है जिसे मुख कहा जाते हैं, गोल छिद्र का निर्माण होता है जिसे मुख माउथ कहा जाता है। मुख का एक्टोडर्मल, मुख का जो एक्टोडर्मल होता है, मुख का एक्टोडर्मल अंतर्वलन के द्वारा, मुख का जो एक्टोडर्मल है अंतर्वलन के द्वारा स्टोमोडियम आहार नाल के साथ जुड़कर छिद्रित होकर आंत गुहा इंटर स्टोम बनाता है। आंत गुहा का फॉर्मेशन इंट्रो स्टोम बनाता है और पिछले सिरे पर एक मध्य अधर एक्टोडर्मल अंतर्वलन के द्वारा प्रोक्टोडियम गुदा बनाता है और एक्टोडर्मल अंतर्वलन के द्वारा प्रोक्टोडियम गुदा का फॉर्मेशन पीछे साइड में करता है। प्रथम जोड़ी क्लोम रंध्र अंतर्वलन पर बनते हैं। प्रथम जोड़ी क्लोम रंध्र जो गिल स्लिट्स जो होते हैं अंतर्वलन, तो प्रथम जोड़ी जो क्लोम गिल्स होते हैं, गिल स्लिट्स होते हैं, अधर तल पर बनते हैं, कहाँ, नीचे के साइड में बनते हैं। प्रथम जोड़ी क्लोम गिल स्लिट्स जो होते हैं नीचे के अधर तल पर बनते हैं। आठ जोड़ी प्रारंभिक क्लोम छिद्र के साथ लार्वा बहुत समय तक, आठ जोड़ी क्लोम छिद्रों के साथ लार्वा जो है क्लोम छिद्र मतलब इनमें गिल्स जो पाए जाते हैं, आठ जोड़ी गोल गिल छिद्र के साथ लार्वा बहुत समय तक अपरिवर्तित बना रहता है। आठ जोड़ी गिल छिद्र पाए जाते हैं, जोड़ी मतलब आठ जोड़ी एट पेयर में इनमें क्लोम स्लिट पाए जाते हैं, क्लोम छिद्र पाए जाते हैं। इस समय तक आठ जोड़ी क्लोम छिद्र के साथ लार्वा काफ़ी दिन तक बिना परिवर्तित बना रहता है, उसी रूप में रहता है। गुदा के पीछे पूछ बनने लगती है, उसके बाद क्या होता है, इनमें गुदा एनएच के पीछे जो होती है पूछ बनने लगती है एनएच के पीछे जो है टेल का निर्माण होने लगता है। इसके बाद क्या होता है, इसमें जो होता है एक मध्य अधर पश्चिमाभि अधोग्रसनी मतलब फायरिंग्स का फॉर्मेशन होता है, जो इंडोस्टाइल धीरे धीरे फर्श पर निर्मित हो जाता है के रूप में, इंडोस्टाइल धीरे धीरे उनके फर्श पर निर्मित हो जाता है। तो एक पश्चिमाभि अधोग्रसनी खांच के रूप में इंडोस्टाइल धीरे धीरे फर्श पर निर्मित हो जाता है। इसके बाद इनमें मेटामार्फोसिस की क्रिया होती है, मेटामार्फकायंत्रण। अब क्या होगा, न्यूरल जो लार्वा अवस्था था ये डेवलपमेंट लार्वा अवस्था में हुआ, उसके बाद इनमें क्या होता है, मेटामार्फोसिस होता है। मेटामार्फोसिस में क्या होता है, मेटामार्फोसिस में कायंत्रण के समय एक्टोडर्मल सीलिया जो इनमें एक्टोडर्मल सीलिया थे एंड डिम्बकीय गुदा द्वारा अंगलुप्त हो जाते हैं और जो लार्वा का गुदा द्वार होता है गुदाकार अंग होता है लुप्त हो जाता है, जो एनस जैसे अंग होता है लुप्त हो जाता है। मुख जो होता है इनका अग्र छोर पर आ जाता है, इनका मुख जो होता है अग्र छोर पर आ जाता है। पंख मुख छत चक्रांग और विलम चक्रांग और विलम जिसे विलम कहते हैं, विलम जो होता है विलम जो पाया जाता है इनमें ये विकसित हो जाते हैं। प्राथमिक गिल छिद्रों का विखंडन होने से गिल छिद्रों की संख्या में वृद्धि हो जाती है। प्राथमिक गिल छिद्रों का विखंडन अलग होने से और विभाजित होने से गिल छिद्रों की संख्या में वृद्धि हो जाती है। एक्टोडर्मल नेफ्रिडिया बन जाते हैं। कुछ प्रदेश लंबा हो जाता है, इनका पूछ जो होता है लंबा हो जाता है। इनमें जनन अंग विकसित हो जाते हैं। वयस्क एम्फीऑक्सन जो है प्रजनन के लिए इस प्रकार से तैयार हो जाता है। प्यारे दोस्तों, इस प्रकार से कुछ पॉइंट थे जो एम्फीऑक्सन डेवलपमेंट से संबंधित थे, एम्फीऑक्सन में जो डेवलपमेंट किस प्रकार पाया जाता है। इसके बाद प्यारे दोस्तों आपको आएगा फ्रॉग, डेवलपमेंट ऑफ फ्रॉग को हम लोग देखेंगे इसके आगे के वीडियो में। तो आज तक यहीं तक प्यारे दोस्तों, वीडियो यदि अच्छा लगा हो प्यारे दोस्तों, आपके एग्जाम से संबंधित हेल्पफुल लगे तो लाइक तो बनता है प्यारे दोस्तों, एक लाइक, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दें। ओके, बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।